मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसंग्या एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, अगले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पार्ट वन में क्या सिखाया था? यस, व्यंजन सिखाया था। कितने व्यंजन सीखे थे हमने बच्चों? यस, हमने कुल 6 व्यंजन सीखे थे। कौन कौन से एक बार फिर से देख लेते हैं बच्चों कि अगले वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा था, राइट? हम थोड़े थोड़े पार्ट में सीखेंगे तो हमें झट से याद रह जाएगा, राइट बच्चों? तो पहले हम रिकैप देखते हैं। क से कबूतर, हमने ये लिखना सीखा था बच्चों, और ये इसके मैंने आपको इस शब्द के पिक्चर दिखाए थे, राइट? तो यहाँ पहला क, तो के क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा, ख से घर। फिर अंग दिया था बच्चों, ये भी एक वर्ण है पर इससे कुछ शुरू नहीं होते थे शब्द, ये शब्द के बीच बीच में आता है, राइट बच्चों? तो यह अंग दिया है, उसे कुछ शुरू नहीं होता। फिर च है, तो च से चम्मच, राइट बच्चों? तो अब तक हमने कुल 6 वर्ण सीख लिए। कितने? 6 वर्ण, राइट बच्चों? तो आज भी मैं आपको 6 से लेकर 9 तक सिखाऊंगी, राइट? उसमें भी मैं आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, बीच बीच में आपको मजा ही आने वाला है, राइट बच्चों? ये वर्ण सीखना ना बेहद जरूरी है बच्चों, क्या? क्योंकि हमें जब लिखना पड़ेगा तब क्या होगा कि हमें पहले वर्ण की समझ होनी चाहिए। जब हम वर्ण अच्छे से लिखना जान जाएंगे तभी हम शब्द बनाएंगे, शब्द से लेकर कोई वाक्य बनाएंगे, राइट? तभी हम कोई चीज़ लिख सकते हैं। वर्ण का सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, राइट बच्चों? तो आज व्यंजन भी हम 6 सीख लेंगे, तो कुल आज हम अपने दिमाग में रख लेंगे, राइट? हमें याद भी करना है बच्चों, आप इसको घूटना, आपकी जो बुकलेट है ना उसमें से जो दिया गया है ना वो आप रफ बुक में भी लिख कर मम्मी को बोल सकते हो कि ये बड़ा वाला लेटर लिख दो और आपको उसके ऊपर घूटना है, राइट बच्चों? तो आपको वो स्टेप कहाँ से कहाँ जाता है वो आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट बच्चों? और आप अपनी CW में भी लिखते हो पूरा का पूरा पेज, राइट? मैं आपको वो भी तो होमवर्क देती हूँ ना बच्चों। तो चलो आप शुरू करते हैं 6 लिखना। तो बच्चों पहले तो हम पिक्चर देखते हैं। तो हम पिक्चर्स में मैं आपको 6 से शुरू होने वाले शब्दों के पिक्चर्स दिखाऊंगी, राइट बच्चों? तो 6 से कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं? 6 से छत्ता। छत्ता मतलब के जो मधमाखी वाले मधपूड़ो बनावे थे ने, अहीं जोयो तमे चित्र में 6 से छत्ता मतलब के एमां मधमाखी बैठी छे, उड़े छे, राइट? एने हिंदी में कहेवाय छत्ता, राइट? एटले मधपूड़ो। पछी छत्री, 6 से छत्री। फिर 6 से छड़ी, छड़ी मतलब की लकड़ी, लंबी लकड़ी होती है ना वो। फिर 6 से छत, हमारे घर के ऊपर जो छत होती है ना उसे कहते हैं छत, राइट? तो ये चारों थे 6 से शुरू होने वाले शब्द। 6 से छत्ता, 6 से छत्री, 6 से छड़ी, 6 से छत, राइट बच्चों? अब हम 6 को कैसे लिखते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। 6 सीखने के लिए आपको यहाँ पे कुल 5 स्टेप दिए गए हैं, मतलब कि कुल 5 स्टेप में हम 6 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5, राइट? तो अब हम 6 लिखेंगे बच्चों। पहले स्टेप में क्या करना है देखो, यहाँ पे ये आधा सी करते हैं, हम आधा सी कर लेते हैं, राइट? मैं यहाँ पे आपको नीचे लिख कर दिखाती हूँ, ये आधा सी। फिर इसका दूसरा स्टेप करते हैं बच्चों, ये दूसरे स्टेप में भी आधा सी और आधा सी और, पर उसको थोड़ा ऊपर ले जाना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, आधा सी फिर आधा सी जोड़कर थोड़ा ऊपर खींचना है, फिर
सी और उसके अंदर हमें एक राउंड बनाना है, राइट बच्चों। फिर छ बन गया है पर अभी इनकम्प्लीट है, तो छ को बनाने के लिए पहले हमें सी बनाना है, उसके नीचे भी एक सी बनाना है पर उसका जो वड़ाक है ये ऐसा होना चाहिए। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पे छोटा वाला गोल बनाना है, राउंड करना है, फिर इसके ऊपर एक लाइन खींचनी है और ऊपर यहाँ पे एक लाइन खींचनी है, फिर ये फिफ्थ स्टेप में हमारा छ कम्प्लीटली बन जाएगा। बच्चों आपको पता ही है फोर्थ स्टेप में पूरा का पूरा जो वर्ण होता है वो बन जाता है, किसी में फोर हो तो किसी में थर्ड में ही बन जाता है, पर लास्ट स्टेप में हम क्या करते हैं बच्चों, यस उसके ऊपर कंपलसरी हम शिरो रेखा लगाते हैं, क्योंकि बच्चों हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में तो शिरो रेखा आना कंपलसरी है ना, यस। तो यहाँ पे हम फिर शिरो रेखा लगाएंगे, राइट। मैं यहाँ पे बोल्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता चले कि ये करना कंपलसरी है, राइट बच्चों। फिर से एक बार देख लो कि पूरा छ कैसे बनता है, पहले आधा सी, फिर छोटा सी, फिर इसको ऊपर खींचना है और लाइन बनानी है छोटी वाली, फिर उसके ऊपर शिरो रेखा, बन गया हमारा छ, राइट बच्चों। तो ये थे छ के स्टेप, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे कि छ कैसे लिखते हैं, राइट। तो हमने एक वर्ण सीख भी लिया बच्चों, पता भी नहीं चला, अब हम झ सीखेंगे। छ के बाद आता है झ, जैसे क के बाद ख, ग, घ, ं, च, वे छ वर्ण आपको याद रह गए ना, वो भी सीक्वेंस में। बच्चों इसके सीक्वेंस याद रखना भी बहुत जरूरी है, मतलब लाइन में आवा जोइए, क पछी तमे ग लखो तो न चाले, बराबर। तो क पछी ख, ग, घ, ं, च, च पछी छ, आपणे आजे छ सीख्यो ने, छ पछी आवशे झ। तो झ से कौन कौन से शब्द शुरू हो, कौन कौन से शब्द बनते हैं उसके पिक्चर्स में आपको दिखा दूंगी, राइट बच्चों। तो झ से जग, झ से जग, जो आपणे पानी भरवानो होय ने ई जग, पछी झ से जलेबी, झ से जलेबी, झ से झड, झ से झड, झड मतलब कि जे झाड होय ने એની નીચે જે મૂળિયા હોય ને આપણે મૂળ કહી ગુજરાતીમાં, બરાબર, તો એને કહેવાય હિન્દીમાં જડ, બરાબર। તો જ સે જગ, જ સે જલેબી ઓર જ સે જડ, રાઈટ બચ્ચો। તો અબ હમ ઉસકો કેસે લિખતે હે વો દેખ લેંગે બચ્ચો। ઇસમેં સિર્ફ ફર્સ્ટ સ્ટેપ હી હે, મતલબ યહાં પે થર્ડ સ્ટેપ પે જ પૂરા કમ્પ્લીટલી બન જાયેગા, પર हिंदी है तो हमें शिरो रेखा लगाना कंपलसरी है, राइट बच्चों। तो अब हम झ का स्टेप सीखते हैं। पहले हमें एक लाइन खींचनी है, देखो बच्चों ये यहाँ पे टच नहीं होती है, ये मैं आपको फाइव लाइन में इसलिए करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमें जो हमारी बुक है उसमें कैसे लिखना है, राइट। आप बच्चों डबल लाइन वाली बुक यूज़ करते हो पर उसमें भी तो लिखना आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं, राइट। तो पहले एक लाइन खींचनी है छोटी वाली, फिर क्या करना है, यहाँ से थोड़ा ऊपर ले जाकर वो लाइन को ऐसे करना है, राइट बच्चों। यहाँ से थोड़ा आप एबीसीडी तो पढ़ ही चुके हो, एबीसीडी में जो यू आता है ना उसको यहाँ से ऐसे थोड़ा ऊपर खींचना है, फिर यहाँ से ऐसे लेना है ऊपर, इसको बच्चों थोड़ा क्रॉस में रखना है, फिर यहाँ से आड़ी लाइन, एक ऊपरी लाइन, देखो बच्चों झ बन गया, राइट। अब हम उसके ऊपर एक शिरो रेखा लगाएंगे, राइट। तो ये बन गया हमारा झ, देखो बच्चों मैंने इसको बोल्ड किया है क्योंकि आपको पता चले कि झ सभी वर्णों के ऊपर शिरो रेखा करना कंपलसरी है। पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा में तो बन ही गया, राइट। ज से शुरू होने वाले वर्ण शब्द भी देख लिए, राइट बच्चों। एक बार फिर देख लो कि झ कैसे लिखते हैं, राइट।
ये था हमारा ज। देखा बच्चों आपने कैसे लिखते हैं ज को? आप ऐसे ही लिखना सीख जाओगे क्योंकि आपको ये स्टेप दिए गए हैं। स्टेप के अनुसार आप करोगे, स्टेप को फॉलो करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब हम ज सीखते हैं। अब तक हमने क्या सीखा? छ और ज, राइट बच्चों? अब हम ज सीखेंगे, राइट बच्चों? ज सीखने के लिए पहले उसके वर्ड वर्ण से शुरू होने वाले शब्द तो देखते हैं। ज से झरना, ज से झरना। जो हम लोग को जेने झरनों क्यों छो ने इन्हें कहवाए हिंदी में झरना, राइट? પછી આપણે હવે ઝ કેવી રીતે લખશું એના સ્ટેપ જોઈએ, બરાબર? તો પહેલાં ઝ કરવા માટે આપણે શું જોઈશે, શું કરવું જોઈશે? પહેલો સ્ટેપ આપણે પહેલાં એક નાનકડી લાઈન બનાવશું, બરાબર? પછી એ લાઈન બનાવી અને પછી આપણે એક સી બનાવીએ છીએ, બરાબર? પછી સી આટલો બધો બની ગયો, પછી ત્યાંથી પાછો વળાંક લેવાનો, રાઈટ? અને પછી ત્યાંથી આમ અંદર એક નાનું રાઉન્ડ, રાઈટ? આપણો બીજો સ્ટેપ. પછી ત્રીજા સ્ટેપમાં આપણે એક સી કરશું, પછી ત્યાંથી ઊંધો સી, પછી ત્યાંથી એક રાઉન્ડ, પછી અહીંથી એક આમ લીટો, રાઈટ? આપણો થર્ડ સ્ટેપ. પછી એક ચોથા સ્ટેપમાં આપણે આમ કરશું એક લાઈન, પછી ત્યાંથી એક આમ સી, પછી પાછું સી, પછી એક આમ રાઉન્ડ, પછી એક આમ લીટો, અને પછી એક ઊભો લીટો, રાઈટ બચ્ચો? તો આપકો સમજ મેં આ રહા હૈ ના કે કેસે કર રહી હું? યસ. અબ ફિફ્થ સ્ટેપ મેં ઉસકે ઉપર શિરોલેખા લગા દેની હૈ સિર્ફ. राइट, बन गया हमारा ज. देखो बच्चों है ना आसान. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ. ये फिफ्थ स्टेप पे ज पूरा कंप्लीटली बन जाता है, राइट बच्चों? तो अब आपको समझ में आ गया कि ज कैसे लिखते हैं, राइट? ज लिखने के लिए पहले हमें करना है एक लाइन, फिर एक सी, फिर यहाँ से ऐसे टर्न लेना है, फिर एक छोटा सा राउंड और बीच में एक लाइन, और यहाँ से ऊपर एक बड़ा वाला लाइन, बड़ी लाइन, और देखो बन गया हमारा ज, राइट बच्चों? तो ज के बाद क्या आता है बच्चों? पहले ज आता है, फिर ज आता है. तो बच्चों ज के बाद आपको एक दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल वर्ड है, मतलब कि स्पेशल कैरेक्टर है. इनसे भी कोई शब्द शुरू नहीं होते हैं. जैसे आपने वो अंग देखा था ना, वैसे ही ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर है. तो इसको मैं कैसे लिखना है वो बता देती हूँ, पर इससे कोई शब्द शुरू होते नहीं है, राइट बच्चों? तो इसके लिए पहले हमें करना है ऐसे, राइट बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा वाला, फिर एक आड़ी लाइन, फिर ऊबी लाइन. पहला एक आड़ी लाइन, पछी एक ऊबी लाइन, पछी सीधा रेखा. लियो बनी गया अपना स्पेशल कैरेक्टर. अपने वच्चे वच्चे आमा आवशे. स्पेशल कैरेक्टर मतलब के खास वर्ण. एक घड़िए घड़िए आमा अपने खास वर्ण एवं एकाद व्यंजन आवशे, जेनाथी कोई शब्द शुरू नहीं थाता होय, પણ આપણે લાઈનમાં જે જે આવે છે વર્ણ એ હું તમને કહેતી જઈશ, રાઈટ બાળકો? ઝ શીખી લીધું, ઝ સે ઝરના. યસ, વો ઝરના તો હમને શીખ લિયા. ઝ કે બાદ ક્યા આતા હૈ બચ્ચો? યસ, ટમટમ. ટ આતા હૈ, તો ટ સે શરૂ હોને વાલે પહેલે મેં આપકો શબ્દ દિખા દું કે કોન કોન સે શબ્દ શરૂ હોતે હૈ. ટ સે ટમાટર, ટ સે ટમાટર, ટ સે ટમ ટમ, ટ સે ટમ ટમ. ટમ ટમ મતલબ કે વો તાંગા હોતા હૈ ને, જો આપણે ગુજરાતીમાં એને ઘોડા ગાડી કહીએ છીએ ને, એ જ, રાઈટ? પછી ટમ ટમ પછી આવે છે ટ સે ટબ, ટ સે ટબ. ફિર ટ સે ટહની, ટહની મતલબ કે એક આપ ચિત્ર દેખ રહે હો યહાં પે,
राइट बच्चों, एक डाल है उसके ऊपर तो चिड़िया बैठी हुई है, राइट बच्चों, तो उसे कहते हैं टहनी चिड़िया को। अब बच्चों मैं हमारा इस वीडियो लेक्चर का लास्ट वर्ण सिखाने जा रही हूँ बच्चों, तो वो भी तो आपको सीखना पड़ेगा ना, वो भी बहुत आसान है। तो बच्चों अब हम क्या सीखने वाले हैं, हमने अब तक कुल कितने वर्ण सीखे, छ से छत्ता, झ झ से जग, ज तो ज से झरना, ज के बाद हमने भी एक स्पेशल कैरेक्टर सीखा था, राइट, फिर ट, ट से टमाटर, फिर अब हम सीखने वाले हैं हमारा छठा वर्ण आज का, उसका नाम क्या है बच्चों, यस उसका नाम है ठ। पहले हमने सीखा छ, बाद में हमने सीखा झ, फिर हमने सीखा ज, फिर हमने सीखा स्पेशल कैरेक्टर, राइट, फिर ज के बाद सीखा हमने ट। बच्चों अब हम सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं ठ। तो ठ करने के लिए क्या करना है, फर्स्ट टू थ्री, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिर्फ तीन ही स्टेप दिए गए हैं बच्चों। तीन स्टेप में पहला क्या आएगा, पहले हमें ऐसे एक लाइन बनानी है, बिल्कुल छोटी वाली, ऐसे थोड़ी टेढ़ी बनानी है, फिर यहाँ से इसको ऐसे ले जाना है और राउंड बना देना है, राइट बच्चों, फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे गोल बनाना है और ऊपर से रेखा, बन गया हमारा ठ, राइट। एक बार और करके दिखाती हूँ, एक लाइन फिर यहाँ से मुड़ा हुआ और ऊपर सिरोरेखा, राइट बच्चों, कुछ नहीं करना है, पहले एक लाइन बनाओ, बाद में उसको यहाँ से ऐसे टर्न लेकर इसको गोल बना दो, फिर सिरोरेखा कर दो, है ना आसान, यस। तो ठ से शुरू होने वाले शब्द आपको पता है बच्चों, ठ से ठप्पा, मतलब कि वो जो स्टैम्प होता है ना, स्टैम्प किसी डॉक्यूमेंट्स पे मारते हैं, वो स्टैम्प को कहते हैं हिंदी में ठप्पा, राइट। तो ठ से ठप्पा, ठ से ठक 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 ठक, हमारे घर पे कोई आता है तो वो पहले ऐसे ठक ठक करता है ना, अभी ऐसा नहीं होता क्योंकि अब तो बेल आ गए हैं, हमारे घर पे कोई आता है तो बेल बजाता है, जब बेल बजती है तो हम द्वार पर देखने जाते हैं कि कौन आया है, यस, तो उसको कहते हैं ठक ठक, राइट। तो ये ठक ठक भी ठ से शुरू होता है। तो बच्चों इस लेक्चर में मैंने आपको कुल छह वर्ण सिखाए, कौन कौन से, ठ तक, छ से ठ तक के, छ झ ज, फिर ये वाला एक जो है स्पेशल कैरेक्टर वो, फिर ट, और उसके बाद सीखा हमने ठ, राइट बच्चों। तो ये कुल छह वर्ण आज हम सीख गए, राइट बच्चों। अब मैं आपको इसके बाद के लेक्चर में इसके बाद के स्वर बाद के व्यंजन सिखाऊंगी, मतलब कि अब तक हमने कुल 12 व्यंजन सीख लिए बच्चों, 12 व्यंजन अब तो बहुत झट से सीख गए हो बच्चों। अब मैं आपको उसके बाद का सिखाऊंगी, बच्चों इसको बार बार कूटते रहना, आपको एक बार में आ जाए तो ऐसा मत सोच लेना कि एक बार में आ गया तो आ ही गया, अब मैं नहीं लिखूंगा, इसकी बार बार की आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो आपके जो राइटिंग है ना उसमें सुधार आएगा, मतलब कि आपके राइटिंग अच्छे बनेंगे, राइट बच्चों। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में नए व्यंजन के साथ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।